क्या आपने राजीव अदात्या की स्टोरी देखी? क्या लिखा है और किसके बारे में? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। जी हाँ, राजीव अदात्या तो घर से बेघर हो चुके हैं और उनकी जो जर्नी थी वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। खूब सारा प्यार मिल रहा है उनको और उसी प्यार को लेकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपने फैंस से और एक स्टोरी डाली। स्टोरी में उन्होंने लिखा है कि मुझे बस आप लोगों से यही कहना है, थैंक यू सो मच। आप सभी के जो मैसेजेस, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे पोस्ट किए गए मेरे लिए और बिलीव मी, मैं इन सबको देख रहा हूँ और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और आप सभी का शुक्रिया मुझे इतना प्यार करने के लिए और मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। मेरे पोस्ट को, मेरी स्टोरीज को, मैं आप सबके पोस्ट और स्टोरीज को भी अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे इसी तरीके से आपका प्यार, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मेरी जो बिग बॉस में जितना भी मैंने टाइम स्पेंड किया है बहुत ही अच्छा था, बेस्ट था, बेस्ट एक्सपीरियंस था और यहीं से एक मेरी शुरुआत हुई है। मैं यहाँ पर अभी तक रुका नहीं हूँ, आगे भी मैं बहुत आप लोगों को हंसाऊंगा और आप सबसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो ये बात उन्होंने बता दी अपने फैंस को, कह दिया है कि थैंक यू सो मच जो भी आपने सपोर्ट किया, जब भी मैं जितने दिन भी मैं बिग बॉस के घर में था, थैंक यू सो मच और बहुत सारा प्यार दिया है आप लोगों ने, जो ने सपोर्ट किया है। आप सब क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि राजीव अदात्या का जो जो जर्नी थी वो आपको कैसी लगी और क्या उनका घर से बेघर होना सही था या गलत, जो भी आपकी राय है हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए फीफा फूस इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।